तो हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी, ही वॉज एन एयरनोटिकल इंजीनियर, मतलब उन लोग का सैलरी कितना है आपको मालूम है ना, इतना अच्छा हाई प्रोफाइल पोजिशन में था और उन लोगों ने हमारा अलेन एयरफोर्स में फाइनल लोगों को ट्रेनिंग देता था और बहुत सारा सारे दुनिया में। हमने एक दफा जॉर्डन में गया, वो जो फ्लाइट का पायलट उनका स्टूडेंट था, ऐसे हर दुनिया का हर कोने में उन लोग उनका स्टूडेंट्स है। अभी वो फ्लाइट पायलट ट्रेनर हमारा साथ मौजूद है हमको ट्रेनिंग देने के लिए, फ्लाइट के बारे में नहीं, फ्लाइट कैसे फ्लाइट करेगा उसके बारे में नहीं, आपका लाइफ कैसे आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा अच्छा तंदुरुस्ती में, अच्छा वेल्थ में, अच्छा हैप्पीनेस में कैसे आगे लेके जा सकते हैं, उसका बारे में डिस्कस करने के लिए आज का मेहमान इधर मौजूद है। और उनका बारे में बोलेगा तो मैं अभी बात कर रहा था एक आदमी को, हमारा एक रोड शो है, रोड शो में सिर्फ 55 मेंबर्स को बैठ सकते हैं, 14 मिलियन मेंबर्स है, उनमें से सिर्फ 55 मेंबर्स को बैठ सकते हैं, ऐसा एक पोजीशन में और हमारा सबसे ऊंचाई पोजीशन क्राउन एंबेसडर पोजीशन में पहुंच गया और मिडिल ईस्ट से पहला क्राउन एंबेसडर। और लाइफ को जो जो चाहिए पूरा अचीव किया, और डीएसएन के थ्रू और पर्सनल लाइफ के थ्रू प्रोफेशनल थ्रू पूरा अचीव किया। अभी सिर्फ इधर मौजूद है हमको वो सेम तरीका देने के लिए, आपको भी वो पोजीशन अचीव करने के लिए मौका देने के लिए इधर मौजूद है। सो दैट इज नन अदर दैन मिस्टर मोहम्मद फतेह मीकानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैं मगरिब के बाद तैयार हो गया था 6:30 बजे, लेकिन ये आपका जो ट्रैफिक है, आप जो लोग शारजा में रहते हैं उनको सारों को पता है, वो मेरे कंट्रोल से बाहर है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक। और सेबास्टियन ने कहा कोई आज फ्राइडे को ट्रैफिक नहीं है, उतनी हमसे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिला। एनीवे मैं जो है ना स्ट्रेट अवे स्टार्ट करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जो मुझे दिया मैं जितना भी शुक्र करूँ कम है। लेकिन आज मेरे बारे में बात नहीं होगी, आप लोगों के बारे में बात होगी। और इसको अभी जो मैंने अभी घंटा मैंने बात करनी है, और कोई भी अगर आपका सवाल है तो दरमियान में मैं नहीं लूँगा, आखिर में लूँगा, क्योंकि एक लाइफ में अगर तब्दीली लानी है ना तो तब्दीली ऐसे नहीं आती है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बहुत लकी या आपने इस मुकाम में पहुँचे, तो कोई भी किसी मुकाम में पहुँचता है ना तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती, तकदौ होता है। लोग तो उसको देखते हैं ना इस लेवल में पहुंचा हुआ है। कोई भी इंसान, कोई इन्वेंटर हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई भी बहुत मुश्किल से उस लेवल तक पहुंचता है। तो अभी आप लोग भी चाहते हैं वो आपके अंदर वो तब्दीली आए या वो कामयाबी आपको मिले, ठीक है ना। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह उमरा करने गया था, तो वहाँ पर मैं जो भी स्पीचेस वगैरह देता हूँ तो वहाँ पर वो जमजम पीते हैं, और जमजम पीने के बाद दुआ मांगते हैं, उसके पहले भी दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया, ये पहला पार्ट है उस दुआ का। उसके बाद है रिज़्क़न वासिया, रिज़्क़ अल्लाह ताला हमको दे जो बड़े, ठीक है ना। आप लोग जो जहाँ से भी आए हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल,
कहीं से अभी मोमोस होते हैं, यही चार मुल्क से ज़्यादातर लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप लोग कुन घर में अपने मुल्क में जो है ना पैसा मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है ना रिस्क को वसी करने के लिए आए हैं आप लोगों ने, ज़रा सेविंग करना है, ज़रा सा घर बनाना है, इसलिए आप लोग इधर आए हैं। बट ज़्यादातर जो लोग यहाँ पर हैं वो लोग बैचलर हैं, आपके साथ आपकी फैमिली नहीं है। जो लोग जिनके साथ फैमिली हैं वो लोग लकी हैं, लेकिन फिर सेविंग बहुत कम हो जाती है। तो रिस्क एंड वासियन ये दूसरा पार्ट होगा। तीसरा जो पार्ट है वह शफाम मिन कुल्ले दा, शफा मतलब आपकी हेल्थ के बारे में। तो ये जो टैगलाइन है हमारा DXN का, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, ठीक है। और मेरा जो टैगलाइन है मैं अभी लिख देता हूँ, परमानेंट मार्कर नहीं चाहिए मुझे ये, ठीक है। जो अभी मैंने आपको ये दुआ जो सुनाई है वो है शिफा हेल्थ, ये है आपका रिस्क वासियन जिसको हम वेल्थ कहते हैं, और ये ऐसे लिखा है, एंड ये है इल पर्सनल डेवलपमेंट। आज मैं हूं, कल मैं अबू धाबी जा रहा हूं, बाय द वे इसी मौजू पर मैंने बात करनी है, और परसों मैं दुबई में दे रहा हूं, लेकिन वो होगा इंग्लिश में, और फिर 3 तारीख को होगा अजमान में, और 5 तारीख को हम लोग हैं प्रोफेसर वासुपाल के साथ, जिस तरह हमने बड़ा सा कन्वेंशन किया था अलेन में, इसी तरह हम इंशाल्लाह ताला अभी ये प्रोग्राम बन रहा है 5 तारीख को इंशाल्लाह ताला अनाउंस हो गया है, तो आज अनाउंस हुआ है। तो आप लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं, देखें अगर आपने इंजीनियरिंग की है या MBA किया है या आपने फाइनेंस में किया है, लॉ पढ़ा है, बहुत पैसा देना पड़ता है। तो ये जो हमारा जो बिजनेस है इसमें आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आप लोग DXN के साथ हैं, क्यों इतने बड़े बड़े जो लीडर्स आते हैं उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया है इसको सीखने के लिए। और ये मैं आपको बता दूं, बाहर के मुल्कों में ये घंटे के लिहाज से पैसा लेते हैं, और एक दिन का जो होता है वो ऑलमोस्ट $1,000 होता है। तो आई वेंट थ्रू ऑल दैट, वो सारा जो आपको जो चीज़ें मिल रही हैं डिफरेंट लोगों से। तो ये जो आपको जो मैंने लिखा है ये मेरा फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक तो हर एक जानता है, ठीक है ना, फेसबुक ग्रुप। और इसमें मैं कोई हर हफ्ता कोई ना कोई जो मैं खुद तालीम, अभी भी मैं तालीम ले रहा हूँ या लाइव वीडियो में करता हूँ, तो इसमें 10,000 लोग हैं DXN के हैं ज़्यादातर। और आप लोगों को जो है ना मैं हर हफ्ता जहाँ भी मैं दुनिया में हूँगा वहाँ से मैं कुछ ना कुछ इसमें डालता रहूँगा, इंग्लिश में, उर्दू में, ज़्यादातर इंग्लिश में होता, आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो मैं फिर दोबारा दुआ को दोहराता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन, है ना, जिसको हम पर्सनल डेवलपमेंट कहते हैं। आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हैं, आप फाइनेंस से आए हैं, सेल्स से आए हैं, इंजीनियरिंग से आए हैं, टीचिंग बैकग्राउंड है, हाउस वाइफ हैं, कोई भी आपका बैकग्राउंड है ना, आप उससे आप कुछ तो हेल्प मिलेगा। लेकिन ये जो है हमारा बिजनेस ये आप नॉर्मल बिजनेस से ये काफ़ी हटकर बिजनेस है। अब जो लोग ने कभी बिजनेस नहीं किया है ना, तो उनके लिए सबसे जो मुश्किल जो होता है वो माइंडसेट होता है, जो हम जो दिमाग को कहते हैं ना, क्योंकि हमने ज़िंदगी भर हमने काम किया, नौकरी की है, तो हम सोच नहीं सकते हैं कि हम बिजनेसमैन बन सकते हैं। एक जिसको हम कहते हैं माइंडसेट ऑफ स्केसिटी, मतलब किसी चीज़ में कमी हो, कोई ना कोई जो है ना कहता कि मैं तो ऐसे बन नहीं सकता हूँ। कोई भी जो है ना माँ के पेट से जो है वो कामयाब इंसान नहीं बनता है, वो इतना बड़ा इंसान नहीं बनता, वो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, उसके बाद
और जितने भी लोग जो खास करके जो अमीर लोग की मैं बात कर रहा हूँ, एक इंग्लिश के लफ्ज है फ्रॉम रैक्स टू रिचेस। रैक्स मतलब बिल्कुल जिनके पास कुछ पैसे नहीं थे, वहां से फिर चढ़ चढ़ कर वहां तक पहुंचे। तो अगर आप चाहते हैं उस लेवल में पहुंचने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ के अभी इतने लोग हो गए, अभी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी अंदर, तो आप लोगों को एक घंटा तो है ना जरा सा कम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। सो कमिंग बैक, ये आपने हर रोज कुछ न कुछ सीखना है। मेरा YouTube चैनल भी है, मेरा जो ब्रांड है उसका नाम है मैप योर फ्रीडम, जिसमें इंग्लिश में किताब है, उर्दू में है, और सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा जो ले रहे हैं ना, तीन किताबें पढ़नी है। हमारी जो इंडस्ट्री है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना इस दुनिया में, इस दुनिया के लिए, वो है आपका सेहत। हम उर्दू में कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, सिर्फ हम कहते हैं, हम उसमें अमल नहीं करते। बातें तो हम बहुत करते हैं, जान जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट। इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस में वो वक्त से है, पैसा से नहीं है। अगर कोई कहता है वो मैं तो 100 पीवी का सामान लेता हूँ, उसकी कीमत 300 दिरहम है, सेहतमंद। एक बीमार आदमी से पूछें सेहत की कीमत क्या है, इसलिए कहा जाता है ना कि दो जगह जाया करो, एक अस्पताल और एक कब्रिस्तान। याद कराना कि हमने यहाँ पर ज़िंदगी भर रहना नहीं है। अस्पताल इसलिए, एक तो सवाब भी मिलेगा जिसकी आप ईमानदारी कर रहे हैं, और फिर आपको वैल्यू पता लगेगा कि सेहत कितनी, कहते हैं ना तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, फिर हम बोलते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, बात 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 बात, जहाँ आता है कि अच्छा प्रोडक्ट खरीदने की बात आती है, फिर वो बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। इस पैंडेमिक में हमें पता लगा दिया कि महंगी क्या चीज़ है। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करता हूँ क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर बीमार हुए, 50 से लेकर तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये वेंटिलेटर के लिए दिया, पर वन डे ओनली, वन नाइट ओनली 70 हज़ार रुपये 2022 में। पैसा तो आ गया था ना। जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो यहाँ भी, अभी मैं देख रहा हूँ, अभी मैं 2.5 साल के बाद मैं आया हूँ, तो वही जो चीज़ 10-15 दिरहम में था, अभी वो ऑलमोस्ट डबल मुझे नज़र आ रहा है, डबल नहीं तो 25 दिरहम के करीब है, और अगर 100 है तो आप 200-300 के करीब आप दे रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो कपड़ा है, गाड़ी है, अभी उसने कहा ना एक रोल्स रॉयस गाड़ी, मतलब अगर रोल्स रॉयस गाड़ी के अंदर कोई बीमार आदमी बैठा हुआ है तो उसको वो गाड़ी, उसको कुछ लगेगा भी नहीं। अभी मैं बड़े बड़े घर देख रहा हूँ यहाँ पर, ये सारा मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो जाता है अगर सेहत नहीं है। 80% सेहत आपके हाथ में, 20% आपके हाथ में नहीं है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह सोते हैं, सांस जो ले रहे हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, स्ट्रेस कितना ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी लाइफ में तो स्ट्रेस है कितना ही। वो जो छोटे छोटे बच्चे जो है ना, ये वो हमारे ज़माने में हम ऐसे खेलते हुए स्कूल जाते थे और खेलते हुए वापस आते थे, कोई ऐसा लोड नहीं होता था। अभी माए मैं देखता हूँ, वो जो भारी भरकम जो बैग होता है, बैक पैक, वो बस तक लेके जाती हैं, उसके बाद उसको पकड़ाती हैं, वो बच्चा ऐसे झुक झुक जाता है, और फिर आने के बाद फिर एक और ट्यूशन, तो ये तो वो सारा कुछ। तो ये अल्लाह ताला की नेमत है। ये जो लोग बीमारी से निकल कर आए हैं
बहुत सारे यहाँ पर लोग नए हैं, कितने लोग बिल्कुल नए हैं, जरा हाथ खड़ा करें बिल्कुल। बहुत सारे लोग मेंबर भी नहीं हैं, कोई नए लोग हैं, ठीक है ना। तो जब तक आप ये प्रोडक्ट को खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, लगाओगे नहीं, तब तक आप यहाँ से बात नहीं कर सकते। काश मैं दिखा सकता हूँ, 4,000 लोग स्टेडियम में, 4,000 पीपल, 4,000, 5,000 ने आना था क्योंकि उस रोज मैच हो रहा था अर्जेंटीना वर्सेस कौन सा था, तो 1,000 लोग जो है ना बाहर वो मैच देख रहे थे। एनी वे कमिंग बैक के जो भी प्रोडक्ट हमारा है ना, आप इसको हर सूरत में इस्तेमाल करना है, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने बाप माँ के लिए, जिसको आप दे सकते हैं ना आप दे, अगर अफोर्ड कर सकते हैं, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एटलीस्ट आप अपने लिए, अपने बाप माँ के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, खावन के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं इतना ही बताऊँगा कि हमारे यहाँ माशाल्लाह डॉक्टर अस्मा भी आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, प्रोडक्ट के हवाले से बात करती है, रोशन बात करती है, ठीक है। तो इसका मैं जितने भी बात करूँ ना कम है, और जब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे प्रोडक्ट, कैन यू क्लोज दिस थिंग, आई डोंट वांट दैट, जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे ना तो आप यहाँ से नहीं बात कर सकते। तभी मेरे साथी आ रहे थे मेरी गाड़ी में, तो मैं उनको अपनी कहानी बता रहा था। आप लोग मेरी कहानी सुनना पसंद करेंगे, जो मैं पहली मरतब जब मैं डॉक्टर लिम से मिला तो मैंने डॉक्टर लिम को कहा कि मैं जो है ना 2003 की बात कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ आए भी नहीं होंगे, 2003 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा कि मैं कामयाब होना चाहता हूँ। कामयाब कैसे, अब ये आप लोग भी ये चीज लिख लें, क्या है कि मेरी नौकरी तो बहुत अच्छी थी जो बैठने का, लेकिन मैं फैमिली से दूर था, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे जो है ना कनाडा में थे, मैं यहाँ नौकरी कर रहा था। तो वो दिन नहीं जिस तरह बाकी जितने भी यहाँ पर जो मैरिड हैं और आपकी फैमिली घर में है, तो वो दिन नहीं आप लोग बात नहीं करते हैं या टेक्स्ट नहीं करते, एवरी डे होता है आप लोगों का, ऐसे ही है ना, मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। और बहुत दिनों में आप रोते भी होंगे, अगर उनके सामने नहीं रोते हैं तो पीछे तो रोते हैं। तो मैंने जो है ना कसम खा लिया था कि मैंने जो है ना हर सूरत मैंने वापस जाना है घर, मेरा ये टारगेट था, ये पैसा टारगेट नहीं था, पैसा वो था जो मैं भेजता था, आप लोग भी भेजते हो, कोई 2,000 भेजता है, कोई 1,000 भेजता है, कोई 5,000 भेजता है, ठीक है ना, वो आपने टारगेट बनाना। अगर आप यहाँ पर कमा रहे हो 7,000 और या चलो 5,000 में से अगर आप 4,000 बेच रहे हो, 1,000 यहाँ पर शेयरिंग अकोमोडेशन में रहकर जो है ना मतलब सेक्रीफाइस करके अपनी जान पर जो है ना वो सारा करके आप वो पैसा भेजते हो, वो वाला पैसा आप अपना टारगेट बनाना है, टारगेट फॉर गोइंग बैक। घर आपका घर है, इसको कहते हैं ना होम स्वीट होम, जहाँ आपके बाप माँ, भाई बहन, आपके बचपन के सारे दोस्त, वहीं पर सब कुछ खुशियाँ हैं। हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस की बात करते हैं, हैप्पीनेस जो है सिर्फ पैसा से नहीं आता, कुछ हद तक पैसे तक आता है। तो आप लोग जो है ना एक टारगेट बनाना है, एक गोल बनाना है। तो आज के बाद से इस लाइन पे आपने काम करना है, सबसे पहले सेहत के ऊपर। ये ना समझे कि मैं तो 24 साल का हूँ तो मैं तो 30-35 साल का, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, कोई भी फिट नहीं है,
आपको नहीं पता अंदर क्या हो रहा आपके साथ, ऐसे जो है ना बंदा क्या हो जाता है, अगर नहीं होता है तो उसका हार्ट अटैक हो जाता है। तो डोंट टेक अ चांस विद योर हेल्थ, सेहत के साथ आप मजाक ना करें, क्योंकि मुझे पता है एग्जैक्टली आप खा क्या रहे। कोई भी ऐसा कोई ऑर्गेनिक खाना कोई नहीं खा रहे, केमिकल से पाक हो वो आप खाना खा रहे, वो आप खाना खाने जाए ना तो आपको 3 से 4 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। खाना है, अवेलेबल है, तो आपने सीखना है इस ये क्या है, ये बिजनेस है। और ये जो लफ्ज जो मैंने लिखा है यहां पर वेल्थ, ये डीएक्शन देता है। वेल्थ वो होता है जिसके लिए आप काम नहीं करते। अब मैं आपको खास में स्पेशल मार्कर लेकर आया हूं, आप लोग ये मार्कर का अब्बा है, एक साथ में उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। उसने एक किताब लिखी थी पहले, उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड, उसके बाद कैश फ्लो क्वाड्रेंट, उसके बाद एक छोटी सी किताब मैं जब इंडिया गया था तो वहां से मैंने खरीदी थी, उसका नाम है बिजनेस स्कूल। ये क्वाड्रेंट है, 4 खाने नजर आ रहे हैं आपको, ये ई है, ये क्या है, मैं इससे पूछ रहा हूँ सारे कह रहे हैं, बी आई, ठीक है। ये 4 लफ्ज जरा आप गौर से देखें और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये दुनिया जो है ये 4 लोगों से भरी। ये जो आपको लाइन नजर आ रहा है इसके लेफ्ट साइड बाई तरफ ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं, दे वर्क फॉर मनी। ई इसको कहते हैं एम्प्लॉई, उर्दू में हम कहते हैं, अच्छा नहीं लगता लेकिन आप हैं वो नौकर, जहां नौकरी करते हैं वहां पर आप नौकर, इंग्लिश में इसको कहते हैं एम्प्लॉई। एम्प्लॉय जो है वक्त देता है और उसको फिर उसका मुआवजा मिलता है, जिसको हम कहते हैं सैलरी, तनख्वाह, ठीक है ना। किसी को 1000 मिलता है, आज कोई बंदा मेरा लगेज जो है ना एक कमरे से दूसरे कमरे में लेकर गया, सुबह से शाम तक 9 घंटा काम करता है। तो ऐसे मैंने इससे पूछा कि कितना तनख्वाह मिलता है, शुक्रिया अदा किया जो भी, तो मुझे यकीन नहीं आया। जिस होटल में मैं रह रहा हूँ वो 100% ऑक्यूपेंसी है, मैं 5-6 रोज से रह रहा हूँ, एक कमरा खाली नहीं है, मुझे मूव करना था दूसरे कमरे, तो आज हो जाएगा, वो कह रहे थे मुझे 1000 दिरहम मिलता है, 1000 दिरहम पर मंथ। और वहाँ कमरों की जो है ना कीमत है 1000 दिरहम, तो उसका तनख्वाह है 1000। तो कहने का मतलब है कि ये जो लोग हैं ना, ये लोग को तनख्वाह मिलता है एक हाथ से और दूसरे हाथ से ये सारा जो जिसको हम कहते हैं बिल्स, जो भी बिल देना है, कर्जा है, बैंक है, बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, खाना पीना है, उसी में सारा चले जाता है। और 15-20 तारीख तक जो है ना वो बेचारा अब कर्जे में चले जाते हैं और देर पढ़ता रहता है। तो ये दुनिया का जो है ना ये फोर्स है, वर्क इंजन है, ये सारे एम्प्लॉई ये काम करते हैं पैसे के। एस एस जो है उसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस ओनर, SBO, छोटा छोटा बिजनेस, कोई बकाला खोल लिया, कोई ये कर दिया वो कर लिया, या आप डॉक्टर हैं,
कंसल्टेंट है, लॉयर है, रियल्टर है। अभी दुबई जो है खास करके पैंडेमिक के बाद जिसको भी देखो ना, जी अभी मैं जिसे भी कॉल कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो साइड में, क्या कर रहे हो, हर एक रियल्टर बन रहे हैं। अपना कोई काम करो, कोई घर बेच रहे हैं। एटलीस्ट जो मैंने जानने वाले हैं 8-10 लोगों ने बोले कि सर अगर किसी को घर लेना मेरे बारे में बताइएगा। तो रियल्टर भी जब वो घर बेचता है तो उसको पैसा मिलता है वो भी, या बहुत बड़ा डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट सर्जरी करता है, उसकी कुर्सी की वजह से उसको पैसा नहीं मिलता। जब वो सर्जरी करेगा, ऑपरेशन करेगा तो उसको पैसा मिलेगा। कितने बड़े डॉक्टर, ये लोग जो है ये इनसे बेहतर पैसे के लिहाज से, लेकिन ये भी वक्त के लिहाज से ये बास वक्त इनसे ज्यादा काम करते हैं। पैसा मिलता है लेकिन ज्यादा काम करते हैं। अब मैं मजेदार बात बताऊं, ये रफ कैलकुलेशन है। यहां पर जो लोग हैं, पीपल लोग और डॉलर, यहां जो लोग हैं ना 95% लोग हैं ये वाले 95, और दुनिया का जो पैसा है वो सिर्फ 5% है। इसमें 5% ये जो लोग काम कर रहे हैं बेचारे, मजदूर से लेकर कोई पायलट भी हो तो वो मजदूर है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्मॉल बिजनेस ओनर। आज काम बंद, आज दुकान बंद, पैसा बंद, दे वर्क फॉर मनी। समझ में आ गया? बस सिंपल, ठीक है। अब राइट साइड में सारा गेम हो रहा है। राइट साइड में ये है, बी का मतलब है बिजनेस। दो किस्म का बिजनेस, एक है बिग बिजनेस। बिग बिजनेस होता है कारफोर आया हमारे सामने आया, बहुत सारे जो लोग पुराने उनके सामने इधर आया, और वो मिलियंस ऑफ दिरहम से स्टार्ट किया बिजनेस। तो बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, बड़ा बिजनेस के लिए आपको सरमाया बहुत चाहिए, एक। दूसरा, महीने का एक्सपेंडिचर चाहिए, बिजली पानी स्टाफ चीजें खरीदना ये वो। और तीसरी जो चीज है वो रिस्क बहुत है। रिस्क मतलब कब भी ये, यहाँ तो मैंने देखा है पिछले 9-10 साल में जो मैं रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ मैं रहता था, दुकान खुलती थी और एक साल के बाद 1.5 साल के बाद दुकान बंद। ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ, स्मॉल बिजनेस ओनर। इनका भी जो ना जिसको हम उर्दू में कहते हैं दिवालिया होना, 3-5 साल खलास। बिग बिजनेस, बिग रिस्क, और वो एक के साथ नहीं, 3-4 जो है इन्वेस्टर्स लगाते हैं, उसके बाद बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं। यहां पर जो लोग काम करते हैं ना, तकरीबन कितना साल काम करते हैं, कोई आइडिया है? रिटायरमेंट कितना साल? 30 इयर्स। 40 साल मैक्सिमम जो सरकारी है, 40 साल तक। जो आदमी 25 साल में पढ़ाई वढ़ाई फारिग होता है, 25 से लेकर 65 तक चलता है। और अफसोस की बात यह है कि 65 साल में रिटायरमेंट के बाद भी 1-2 साल के बाद वो बेचारा जो है दोबारा काम में आता है, रिटायरमेंट के बाद भी आता है। जो मेरे जो साथी है पाकिस्तान में, हर एक तो टॉप लेवल में तो नहीं गया ना, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ नौकरी कर रहे। तो बड़ा टफ होता है 40 साल। ये जो साइड है जहां पर लोग कितने हैं, 5%, और पैसा यहां पर 95% है। तो बी के दो कैटेगरी है, बड़ा बड़ा बिजनेस करना, और दूसरा
इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग या DXN बिजनेस। तो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा किस तरह से ये बड़ा पैसा देता है। लेकिन मैं अब इसमें आता हूं आई। आई कहते हैं इन्वेस्टर, क्योंकि हर एक मुझे दावत दे रहा था कि वादी भाई बहुत बड़ा एक शुभा का वो आया, हर जगह आपने देखो कि एस लिखा हुआ है, वो बहुत जबरदस्त। तो मैं भी सोचा कि चलो जाके देख लेता हूँ, इतना दावत दे रहे हैं, उन्होंने पूरा एक शहर बनाया हुआ है जिसको हार्टलैंड या मिड टाउन, तो टावर्स बन रहे हैं एंड ऑल दैट। तो एक टावर उन्होंने जो है ना अनाउंस किया, और विद इन नो टाइम वन बेडरूम का ऐसे विद इन वीक्स वो खत्म हो गया। तो मैंने कहा ये ले कौन रहा है। मैंने आई आस्क्ड द पर्सन डायरेक्टली, मैंने कहा जो बंदा बातें कर रहा था उसी का, तो वो कह रहा था कि इन्वेस्टर्स ले रहे हैं, वो लेते हैं। लेकिन सर अभी तक मतलब वजूद में भी नहीं है, और जब उन्होंने पैसे दिए जो भी 10% 20% जो भी है, और अभी उसकी कीमत जो है ना 20% बढ़ गई, वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो लोग हैं ना, कुछ लोग यहाँ आते कुछ लोग जो हायर थे ये वाले डेफिनेटली आते हैं इन्वेस्टमेंट में, और ये लोग अपना बिजनेस के साथ भी कुछ कष्ट करते रहते, स्टॉक्स शेयर्स बॉन्ड्स ये सारे इन्वेस्टमेंट में आते हैं। अब मैं आपकी तरफ आता, पैसा होगा तो इन्वेस्ट करोगे ना। अब ये जो DXN का बिजनेस है ना, देखिए मैंने आपको जो नॉर्मल बिजनेस के बारे में बताया है, आपको बड़ा कैपिटल चाहिए हमारे बिजनेस में। अगर आप ये समझते हैं 300 दिरहम देकर हम मेंबरशिप लेकर ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं क्लियरली अभी दोबारा बताता हूं, आप अपने जिस्म के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। यस आप अपने जिस्म को हेल्दी बना रहे हैं। बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो आपका टाइम है, कितना वक्त लगा रहे हैं, और आपका कोई जो आप कहते हैं मैं हर महीना मुझे कुछ लेना पड़ता है, ठीक है ना, वो फिर अपने लिए आप भी जो भी कारफोर लूलू में आप जो चीज़ें खरीदते हो, आप उस ब्रांड को चेंज कर रहे हैं हमारे वाले ब्रांड में, आपको सेहत मिल रहा है और आपको पैसा भी मिल रहा है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है रिस्क जीरो। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मैंने प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट लेने के बाद मैं बीमार हो गया, ये हुआ तो वो हुआ, और वो क्या पैसा 300 दिरहम 250 दिरहम। तो ये बिजनेस 3 से 5 साल अगर आप सर नीचे करके सही इसको एज अपना बिजनेस लेकर चलेंगे, तो आपने कामयाब होना ही है। yes. जो आप पैसा भेज रहे हो ना, कहां पर आप अमीर हो गए पता? अमीर और खुश जब आप अपनी फैमिली के साथ मिले। ये आपने अपना टारगेट बनाना है कि मैं हर सूरत में जो भी पैसा भेज रहा हूं वो पैसा मैंने इससे कमाना है। मेहनत तो करनी है, सीखना है, सीखने के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये समझ में आके इसमें कोई सवाल होगा मैं बाद में लूंगा। एक और किताब है, वो मैंने जब DXN ज्वाइन किया इत्तेफाकन मेरे जहाँ से मैं तालीम ले रहा था, उसका नाम है नेटवर्किंग टाइम्स यूनिवर्सिटी। तो वो हर 2-3 महीने के बाद मुझे कहते थे ये किताब खरीदो, ये किताब खरीदो, ये किताब खरीदो। तो उनमें से ये किताब था
जिसका नाम था द न्यू वेलनेस रेवोल्यूशन, और ये मैंने कराची से जाकर लिया उस वक्त, इत्तेफाकन उस वक्त कराची में था द न्यू। अब न्यू क्यों है ये बाद में आया है, वेलनेस रेवोल्यूशन। आदमी का नाम है पॉल ज़ेन पिल्सन। आप लोग तो माशाल्लाह YouTube के चैंपियन हो, हर एक YouTube में तो जो भी चीज आप देख रहे हो ना तो उसपे आप ये डालते पॉल ज़ेन पिल्सन द न्यू वेलनेस रेवोल्यूशन, तो आपको इसकी इंटरव्यूज वगैरह नजर आए। आप देख रहे हैं वेलनेस रेवोल्यूशन, ये जो इंडस्ट्री है ना, जो आप दवाई खाती हो ना, जो इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अभी हर एक को वो कोरोना का और कोविड का इंजेक्शन पड़ा है, फाइजर का हो जिसका हो एंड ऑल दैट, और आप आम चने के जैसे एंटीबायोटिक वगैरह लेते हो, ऑगमेंटेड सबमेंटेड सारा कुछ जो भी है, ये सिकनेस इंडस्ट्री है। जब आप बीमार होते हो आप जाते हो, ये नहीं खुशी खुशी नहीं जाते, आज आज मैंने डॉक्टर के पास जाना है और मैंने एंटीबायोटिक खाना है, ऐसा ऐसा कोई नहीं सोचता है, ये आज मैंने ऑपरेशन कराना है, बहुत कोई ठीक नहीं, ऐसा कोई नहीं करता है। नहीं आप पैसा ठीक ठाक देते हो उस डॉक्टर को, आपकी पूरी सेविंग खत्म हो जाती है। देखें देखें लाइफ में अगर आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं ना, तो आपको ऐसी ऐसी जो है ना रियल स्टोरी पता लगेगी कि आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। परसों किसी ने मुझे कॉल किया, हस्बैंड माशाल्लाह ठीक ठाक जॉब, वाइफ क्वालिफाइड टीचर। पेंडेमिक से पहले हम क्या करते हैं ना, जब किसी का प्रॉब्लम देखते हैं ना, हम कहते उसका प्रॉब्लम है, मैं तो बचा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बीमारी से कोई भी नहीं बच सकता, कब कौन सी बीमारी किसको आ पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। सब ये जो चलना है ना ये काफी है। मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं इनको देख रहा हूँ पिछले 10 साल से, मतलब कुछ हो जाए ये अपना वॉकिंग नहीं छोड़ते। कौन ऐसा रेगुलरली करता है, तो इसको हम कहते हैं डिसिप्लिन। कुछ हो जाए वॉक करना है, तो कभी मैं वो साहब जो ठीक ठाक उन्हें पैसा सेव किया ये किया वो किया, उनका हार्ट अटैक हो पेंडेमिक से पहले तो नहीं, लेकिन मुझे परसों पता लगा। वाइफ जो इतनी वेल एस्टैब्लिश टीचर थी उसकी छुट्टी हो गई, क्योंकि स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे। जितना उनकी सेविंग थी ना उसके ऑपरेशन में लग गया। एक बेटा पढ़ाई वढ़ाई कर ली, नौकरी नहीं मिल रहा। अब तीनों जो है ना एक प्रॉब्लम में, मैंने उनको 10 साल पहले पूछा डिएक्शन के बारे में, लेकिन जब दिमाग बंद कान बंद आंख बंद आप कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए दुआ करें और उनसे दूर भागें, जितना दूर भाग सकते ना भागें, क्योंकि वो नेगेटिविटी जो है ना वो आप तक पहुंचा सकते। आज वो मुदरमा कहती है कि मुझे बताओ, और सॉरी सॉरी कर रही थी, मैंने कहा रात गई बात गई, फॉरगेट अबाउट 10 साल पहले जो हुआ, अब तुम सीरियस हो तो मैं तुमको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आप ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। तो कमिंग बैक, ये जो वेलनेस इंडस्ट्री जो है ना, ये आप अपनी फैमिली के में इन्वेस्ट करते हैं जब आप बीमार नहीं होते।
कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मुल्क में रहता हूँ, मैं देखता हूँ ऑलमोस्ट 60-70% लोग जो है ना, मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम हो रहा, बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, रेनकोट पहन के भाग रहे हैं। और वहाँ पर जो है ना हर एक के घर में कुत्ता होता है, तो कुत्ता को निकालना पड़ता है। मुझे अभी जाके पता लगा कि वहाँ डॉग ट्रेनर भी है, डॉग को लेकर जाते हैं और वो उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, एक्सरसाइज भी हो रहा है, कुत्ता साथ भी पहुँचे। तो वेलनेस जो है, ये पॉल जेन बिजन ने कहा दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। तो इस किताब में जो बड़ी अच्छी बात उसने कही ना कि 100 साल का सुनिए क्या, एक जमाना था जो मैन्युफैक्चरिंग जो करता था ना, मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री वगैरह से चीजें बनाता था ना, तो वो पैसा बना दिया। उसके बाद आए बड़े बड़े कंसल्टेंट्स, उन्होंने पैसा बनाया। फिर आया मॉल, ये 70s 80s 90s में बड़े बड़े मॉल्स आए। तो ये तीन लेयर्स आए। और ये 2002 में उसने क्या कहा पता है आपको, पैसा कौन बनाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए उस वक्त Amazon था, वो किताब बेचता था, सिर्फ किताबें बेचता था। अभी जेफ बेजोस जो है, जो ओनर ऑफ Amazon है, इज अ बिलियनियर मेनी टाइम्स। क्या है वो, उसके अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, आपसे लेता है, इससे लेता है, उससे किताब लिया और आगे बेच दिया। डिस्ट्रीब्यूटर पैसा बनाया। आप लोग सारे डिस्ट्रीब्यूटर, कैन यू इमेजिन, यू आर अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अ नॉट बिलियन, इट्स अ ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। तो अभी आप अपना जो है ना मुख को, मुख कहते हैं ना अरबी में, या उर्दू में भेजा कहते हैं शायद, या दिमाग कहते हैं, इसको खुलना होगा, ये बंद है। तो आपने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है जिसमें वेल्थी वेल्थ है। कल मैं प्रोफेसर के साथ बैठा था, प्रोफेसर वासुपाल, और ये आइडिया जो मेरा आया ना, उसे बात करके आया फैमिली के बारे में। चलो, और वो इंशाल्लाह ताला 24 या 25 तारीख को फैमिली के अराउंड बात कर रहे हैं, जूम के मैं मीटिंग दे रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि मेरा जो चैनल है उसमें मेरे 200 स्पीकर्स हैं इंडिया के, 200 वो स्पीकर जो 1 लाख रुपए कमा रहा वही हो सकता है उसमें स्पीकर, 1 लाख, 1 लाख मीन्स अबाउट $1,500। यहाँ पर आई थिंक ज्यादातर लोगों का तनख्वाही है, ये से कम है। तो हमारी जो इंडस्ट्री है ना, इसको आप मजाक ना समझें। तो ये है, और मैं आपके में बताऊंगा। अच्छा, तीसरी किताब उसका नाम है द न्यू प्रोफेशनल, ये भी मैंने उसी वक्त पढ़ी थी, डॉक्टर चार्ल्स किंग, मेरी मुलाकात भी हुई थी उससे आपसे 2007 या 2008 में। तो उन्होंने कहा कोई भी बिजनेस आप करने जाओ उसके 4 शरायत है, कंडीशन। पहली बात, वो बिजनेस जो है बड़ा हो, ग्रोइंग बिजनेस, एक्सपेंडिंग बिजनेस हो और ग्लोबल हो। कोई भी आप बिजनेस करते हैं ना, जहां भी करते हैं ना, आप उसी शहर में करते हैं, दैट्स इट, या उस लोकेशन में बहुत हो गया, दूसरे लोकेशन में कर दिया। दूसरी बात उसने कही कि जो प्रोडक्ट हो ना वो कंज्यूमेबल हो। देखिए आप लोग यूएई में रहते हैं, बहुत कम ने उसको बड़ा करीब से देखा होगा, क्योंकि मैं 92 में अबू धाबी में होता था, वहाँ पर एक डिफेंस रोड है जो एयरपोर्ट रोड को मिलता है, उसके कोने में
एक एमिरेट्स जनरल सुपर मार्केट होता था, और स्ट्रीट के एंड में हम लोग रहते थे। तो रात को हम 10-10:30 बजे वॉक करके आकर वहाँ से, जो बकाला 2 लेवल में था, और वहाँ से सामान लेके चले जाते थे। वो जो साहब थे वो रात को क्लोजिंग करने के लिए आते थे और कहते थे कि थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। उनका नाम था है अभी भी यूसुफ, लूलू का ओनर। ये मैं 92 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा खोला, उसके बाद फर्स्ट लूलू अबू धाबी में खोला रमजान में, और फिर करामे में खुला, और नाउ द रेस्ट इज द हिस्ट्री। वो भी लोगों का प्रोडक्ट ले लेके उसने डिस्ट्रीब्यूट किया ना, अब लूलू ब्रांड बन गया। क्यों? वो पैंडेमिक में भी और 2008 के दौरान में उसका मॉल खुलता गया। क्यों? उसके प्रोडक्ट थे कंज्यूमेबल, दूसरा कैटेगरी कंज्यूमर प्रोडक्ट, जिसको फास्ट मूविंग प्रोडक्ट भी कहते हैं। तीसरा, वो प्रोडक्ट जो है आपके सेहत के साथ होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है ना, वो जो भी ये बिजनेस कर रहा है, सेहत के साथ अगर कोई है प्रोडक्ट, वो चलेगा। थर्ड कैटेगरी, और फोर्थ, उसमें आप इन्वॉल्व हो, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, जो हमारा बिजनेस है। ये उस प्रोफेसर ने 2003-04 लिखा। तो ये सारी किताबें जब मैंने पढ़ी ना, तो उस वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने जो है ना इसको, मैंने जो नौकरी कर रहा हूँ तो करता रहूँगा, लेकिन साथ इसको मैं लेकर आगे चलना है। तो अल्लाह ताला ने जो है ना अपॉर्चुनिटी जो होता है ना, जो आपके दरवाजे में जो दस्तक होती है ना, वो एक या दो मतलब। अगर अभी तक आपने इसको सीरियसली लिया नहीं है, अब लेने का टाइम आ गया है। तो अपना ये ख्याल रखें सेहत का, ठीक है ना? ठीक है। मेरे तकरीबन 300 वीडियोस हैं यूट्यूब में, मैप योर फ्रीडम, या मेरा नाम भी चलेगा फातिमा गनी, या वो वीडियो को भी मैं इधर डालता रहता हूँ। कोई आपको एक डॉलर भी देने की जरूरत नहीं। और किताब लें, पढ़ें, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, बंगाली में भी है, हिंदी में भी है, ये सारी किताबें ट्रांसलेट हुई थी। तो आपके पास ये नेमा आया है, नेमा। मैं एंड करता हूँ वही जो दुआ मैंने पहले पढ़ी है। कौन सी दुआ पढ़ी थी मैंने? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लोकर इल्मन नाफियन वारिस्तन वासियन व शफाम मिन कुल्ली दा। इसका एक और वर्जन है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लोकर इल्मन नाफियन वारिस्तन तैयबन व अमलन मुतकबल। देखिए, इस दुनिया में आपने यहाँ पर 70-80-90-100, उसके बाद हर एक ने मरना है। तो ये जो थर्ड पार्ट है ना बिजनेस में, ये जो आप किए थे, इसमें आपकी आखिरत भी आ रही है। वो कैसे? हुकूकुल अल्लाह तो बहुत आसान काम है। अगर आप समझते हैं नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना मुश्किल है, हम ये कोई बिल्कुल मुश्किल काम नहीं, कोई भी कर सकता है। जो आपने अपने भाई के साथ वो खाया पड़ोस में, जब मैंने, हमारा जो यंगस्टर इमाम है जहाँ पर मैं जाता हूँ नमाज पढ़ने के लिए, वो कह दो यू लर्न समथिंग जो खुतबा होता है, उसने कहा कि आपसे पहले पूछा जा गया, आपका जो पड़ोसी जो सामने और पीछे और राइट में और लेफ्ट में जो है ना, उसके साथ आपके कैसा बर्ताव था? वो मुसलमान नहीं है, वो क्रिश्चियन है साहब। मैंने फ़ौरन बेगम को कहा कि इधर कुछ बनाओ, मैंने चारों जगह जाकर उनको देना है। वो कुछ चाहते भी नहीं मुझे, क्योंकि अजनबी आया बाहर से, फुल ब्लू बेरी का पूरा डब्बा लेकर जाकर उनके दरवाजे में डाल दिया।
ताकि एटलीस्ट वो तो नहीं आते, गोरे तो नहीं आते, लेकिन हम एज अ ब्राउन जाकर वो करें. तो इट इज इम्पोर्टेंट. डीएक्शन का प्रोडक्ट देने का मतलब है वो उसको कहते को बेच रहे हैं. ये चीज़ याद रखें, आप हमेशा जो भी चीज़ देंगे बाद में जाकर आप डीएक्शन का प्रोडक्ट देंगे. तो हम अपनी आखिरत भी संभालें. खुशी कहाँ होती है जब आप किसी को हेल्प करें उसकी तकलीफ से निकालने की, खा वो सेहत की तकलीफ हो या पैसे की तकलीफ हो. ये दो मेन तकलीफ है ना जी, सेहत और पैसा. और पैसा के लिए आप तो किधर आए, वहां तो कोई वजह नहीं है. जितनी सेल्फी लेनी थी बुर्ज खलीफा के सामने आपने ले लिया. कितना और लोग हैं, अब बैठे हो आप यहां पर, कोई वक्त जाया ना करो. 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा आप काम करते हो, 5 दिन 6 दिन इसको सीखना है. और हमारा काम जो है बेचने का नहीं है. आप जो है एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर, प्रॉब्लम का हल दे रहे. इससे अच्छी बात क्या हो सकती. तो इसको सीरियसली लेकर आगे चले. मैंने घंटे से ऊपर मैंने बात कर ली, पता ही नहीं लगा घंटा हो गया. अब मैं आप लोगों का सवाल लेता हूँ, ठीक है, और एक एक करके. पहले मैं